हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? अनदर वीक, अनदर वीडियो। सो गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कमेंट्स में, जो भी मेरी रेसिपीज वीडियो है जो कि मैंने स्टोव पे शूट की है, तो पीपल आर लाइक कि आपने ये किस तरह कवर किया है अपना स्टोव, ज़रूर बताइएगा। सो आई एम हेयर विद अनदर वीडियो। इट्स अ ग्रेट टेक्निक, ट्रस्ट मी गाइज। इससे स्टोव भी गंदा नहीं होता और आपका जो नीचे वाला जो पार्ट है वो क्लियर रहता है, आपको इतना क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं होती। जब भी गंदा हो, यू जस्ट हैव टू रिमूव इट एंड पुट द न्यू वन। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, स्टोव कवर करने के लिए यू नीड अ फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल। मैं ये फ्लो ब्रांड का यूज कर रही हूँ, आप कोई सा भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। और एक नाइफ चाहिए। सबसे पहले ये जितनी भी ऊपर चीजें हैं इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग इसको फॉइल से कवर करेंगे। एंड एज यू ऑल कैन सी कि ये क्लियर है। अगर समटाइम्स इट्स हैपेंड कि थोड़ा थोड़ा ऑयल है ना ऊपर आ जाता है, बिकॉज जब हम लोग यहाँ से होल्ड करते हैं तो इट हैपेंस कि थोड़ा सा ऑयल आ जाता है। नो नीड टू वरी, जस्ट वाइप इट ऑल। इसको अच्छी तरह क्लियर कर लें, क्लीन कर लें। वैसे तो जब फॉइल लगाते हैं तो इतनी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती, बट स्टिल अगर थोड़ा सा ऑयल आपको नज़र आए तो आप क्लीन कर लें। इसके बाद आपको फॉइल चाहिए है तो आप फॉइल निकालें, और आप इसकी कोई सी भी साइड यूज़ कर सकते हैं। ये मैट वाली साइड भी यूज़ कर सकते हैं, ये शाइनिंग साइड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप पहले अपने जो स्टोव का ना वो साइज ले लें। लाइक आई वॉन्टेड कि ये मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ भी डालूँ ताकि फॉइल बाहर ना निकले, तो इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा ले रही हूँ। चलिए इसका साइज होने चाहिए, ठीक है। इसको कट कर देती हूँ, इसको मैंने कट कर लिया है। तो ये जो शाइनी पार्ट है ये ऊपर रख रही हूँ और मैं साइज की तरह ले लूँगी। इट्स सो इजी टू डू गाइस, बहुत इजी है। और इसको इस तरह प्रेस कर लें ताकि आपका फॉइल बाहर ना निकले। ये देखिए अच्छी तरह कवर हो गया है। अब मैं ये ग्लास वाला पार्ट भी कवर करूंगी, क्योंकि समटाइम इट्स हैपेंड कि आप लोग कभी भी कोई फ्राइंग चीजें बना रहे होते हैं ना, तो उसका ऑयल उठ के ग्लास में आता है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन इट अप। एज यू ऑल कैन सी कि मैंने इतने साइज का जो कट कर लिया है, और अब क्या करना है, इसे कंप्लीट स्टोव के ऊपर रखे हैं। यू कैन सी कि मैंने एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पे भी इस साइड भी एक्स्ट्रा लिया है। इसको मैं सिंपली क्लोज करूंगी। गाइस, इट्स सो इजी टू डू। इसको क्लोज करें और ये वाला पार्ट में इसको ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं। सबसे पहले यहाँ से ये जो दो पॉइंट्स है इसके ऊपर से हम लोगों को एल्युमिनियम फॉइल रिमूव करना होगा। इसके बाद ये देखिए मैं इसका शेप बनाऊंगी, जो मेरा स्टोव का साइज है उसका मैं शेप बनाऊंगी। और उसको बिल्कुल कोई से भी शार्प नाइफ ले लें और जो पॉइंटेड हो। ये वाली मेरी नाइफ बेस्ट है, बहुत जल्दी कट हो जाता है, उससे मुझे सिंपली कट करना है। इट्स सो इजी टू डू। इससे आपका जो स्टोव होता है वो गंदा भी नहीं होता, इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा इसको क्लीन करने की जरूरत नहीं होती। जब भी गंदा हो, यू जस्ट हैव टू रिमूव ऑल दिस एंड पुट द न्यू वन। आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप अपने स्टोव के लिए क्या यूज करते हैं ये भी बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।